दिस इज नॉट द सीरियस ऑफेंसेस मैडम। अच्छा, अभी पूरा एक महीना आप गर्मी से झुलस गए हो, पीने को पानी नहीं था, कहते हो कि अवैध खनन कोई सीरियस ऑफेंस नहीं है, कहीं ठंडे इलाके घूमने गए थे ना आप, क्यों? पूरा देश गर्मी से झुलसता रहा, इसलिए प्रॉब्लम नहीं। हमारे और आपके पास एसीज हैं, हम और आप ठंडे इलाकों में जा सकते हैं। व्हाट अबाउट द जनरल पब्लिक? आप कहाँ गए थे सर? स्विट्जरलैंड? मैं आपके ऊपर और अपने ऊपर कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं उस जनता की बात कर रहा हूँ जो टिन के शेड के नीचे पंखे में तपती धूप में बैठते हैं, जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। जिस समय बिस्लरी ने बॉटल लॉन्च की थी, लोग हंसते थे, आज हम और आप और बहुत बड़ा हिस्सा वही पानी पी के काम चला रहे हैं। कल को नहाने के लिए भी यही लगेगा। P4 एज 19 पेज इज पेज 20 लास्ट में देखें सर, आवेदक के विरुद्ध वर्ष 20-23 में कोई भी आपराधिक प्रकरण दर्ज होना नहीं पाया। इन्फॉर्मेशन है, अपराध नहीं है। आप आइए तो सही P2 में सर, केवल उनमें जो बोल रहे हैं सर लास्ट में सर, P2 में आइए, 2.10, 2.11 और 2.12 पे। पर केस हैज नॉट बीन रजिस्टर्ड। फाइन, जब आप पकड़े नहीं गए तो नहीं हुआ। ये इन्फॉर्मेशन थी कि आप लीगल माइनिंग में इन्वॉल्व है। And under section 110 of the if the people are not willing to come forward to depose against you, is it not a good ground to pass an order under section 305 jo bhi hai? But this is not the serious offenses, madam. Achcha, abhi pura ek mahina aap garmi se jhulas gaye ho, peene ko pani nahi tha, कहते हो कि अवैध खनन कोई सीरियस ऑफेंस नहीं है। आप कहाँ चले गए थे सर ठंडे इलाके में? जितेंद्र जी, जी कहीं ठंडे इलाके घूमने गए थे ना आप, क्यों क्यों जबलपुर छोड़ के चले गए थे? पूरा देश गर्मी से झुलसता रहा, आप कहते हो कि अवैध खनन कोई सीरियस अपराध नहीं है। फाइन, नो प्रॉब्लम, इसलिए प्रॉब्लम नहीं। हमारे और आपके पास एसीज हैं, व्हाट अबाउट द जनरल पब्लिक? हम और आप ठंडे इलाकों में जा सकते हैं, व्हाट अबाउट द जनरल पब्लिक? आप कहाँ गए थे सर? स्विट्जरलैंड? हाँ, बता तो दो। कहीं नहीं है, सवाल वो नहीं है, जाना बुरी बात नहीं है। मैं आपके ऊपर और अपने ऊपर कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं उस जनता की बात कर रहा हूँ जो ये अफोर्ड नहीं कर सकती है, जो टिन के शेड के नीचे पंखे में तपती धूप में बैठते हैं, जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। जिस समय बिस्लरी ने बॉटल लॉन्च की थी, लोग हंसते थे, आज हम और आप और बहुत बड़ा हिस्सा वही पानी पी के काम चला रहे हैं। कल को नहाने के लिए भी यही लगेगा। आप कहते हो सीरियस नहीं है। हम ये हर चीज देख रहे हैं, आप खुद देखिए, पिछले एक महीने में 48-49 रेगुलर टेम्परेचर जगह का गया है, जो कि एक एक्सेप्शनल हुआ करता था कभी कभी किसी जगह पे, अब वो रेगुलर हर शहर में चला गया। शायद हम लोग तो जिम्मेदार नहीं है। पानी जो कभी भी किसी जमाने में खरीद के पीना तो एक एक मतलब राजशाही का एक हिस्सा माना जा सकता था या माना जाता था, लोग हंसते थे कि पानी की कहाँ ट्रेड होगा, और आज और हम और आप और बहुत बड़ा तबका पानी पी खरीद के पी रहा है सर। हम कहते हैं ये तो बड़ी नॉर्मल सी चीज है, हमारे और आपके एग्जिस्टेंस के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, पर हम नहीं जाग रहे हैं सर। जवाब फाइल करो सर, 139-73/2020। अब तो बता दो कहाँ गए थे। अच्छा सर, मत बताओ, वो पर्सनल क्वेश्चन। बट व्हाट आई वुड से, 80-90% लोग क्या इस फैसिलिटी या लग्जरी, जो भी वर्ड यूज करें, जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए फैसिलिटी, जो अफोर्ड नहीं यूज कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए लग्जरी है, ये अवेल कर सकते हैं क्या?
और वो सिटीज जो 48 कभी टच नहीं हुआ है, इस साल कंटिन्यूसली फॉर डेज टुगेदर 48 चला. हु इज रिस्पॉन्सिबल? सर, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. इसलिए ये तो सीरियस है. 13973/2024, दिस पिटीशन अंडर आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बीन फाइल्ड अगेंस्ट अशोकास नोटिस डेटेड 1/11/2023 इशूड बाय रिस्पोंडेंट नंबर 2 अंडर द राज्य सुरक्षा अधिनियम इन केस नंबर 17/जिला/2023. तो ये तो 6, 7 और 2 9 महीने हो गए, अभी तक कोई ऑर्डर नहीं हुआ है. सर, स्टेज क्या है इसकी? सर, आपने जवाब फाइल किया है अभी कि नहीं किया? जवाब कर दिया सर, वो रिजेक्ट कर दिया उन्होंने जवाब. एक्शन P2 इज दी रिप्लाई. ऑब्जेक्शन रिजेक्ट हुआ. ऑब्जेक्शन रिजेक्ट हुआ ना. तो ये कब का था? 1/11/2023 का जी. उसके बाद 9 महीने हो गए, क्या हुआ सर? सिविल ग्राउंड पे रिजेक्ट किया सर उन्होंने. अरे कुछ भी हो, उसके बाद क्या हुआ? इसके बाद सर अभी चल, अभी 9 तारीख की डेट है. 9 तारीख को है ना. गवाहियां हो गई हैं क्या? एपीआर तो हुआ. गवाहियां हुई हैं क्या? तो इस महीने के एंड तक फाइनल ऑर्डर पास करने का ऑर्डर कर देता हूं, जो भी करें. 9 महीने तक तो पेंडिंग रख ही लिया सर. इट इज सबमिटेड बाय काउंसिल फॉर. सर ये कंटेंशन मेरिट्स वाले लिखाऊं कि नहीं लिखाऊं, क्योंकि अभी फाइनल ऑर्डर हुआ नहीं है. Since this present petition has been filed against the show cause notice and the district magistrate has jurisdiction to entertain such a entertain a recommendation for externment from this court is of considered opinion that the proceedings which have been initiated by the district magistrate Umaria are not without a jurisdiction. So far as the merits of the allegations are concerned, it is yet to be decided by the district magistrate Umaria, and accordingly, no good ground has been made out to entertain this writ petition against a show cause notice. However, it is clear that show cause notice was issued on 1/11/2023, and according to the petitioner, it is still pending. Thus, the petitioner, this petition is dismissed with liberty to the petitioner that if he has not filed his response so far, then he shall positively file his response by the next date of listing, that is 9th of July 2024, and the district magistrate Umaria shall positively pass the final order by the end of this month. The registry is directed to send a copy of this order to District Magistrate Umaria for necessary information and compliance. With a foresaid observation, the petition is dismissed. It is made clear that since this court has not considered the merits of the case, therefore, the dismissal of this petition should not be treated as a dismissal on merits, and the order shall be passed strictly in accordance with law without getting influence or prejudice by this order. कुछ और कोई प्रोटेक्टिव ऑब्जर्वेशन चाहिए तो भी बता दें सर, क्योंकि तो हमने आपको मैरिट्स के ऊपर वर्चुअली ऑफ द रिकॉर्ड ही बात हुई है, राइट? तो मैरिट्स के ऊपर तो हमने डिसाइड नहीं किया है. वो उतना तो मैंने क्लैरिफाई कर दिया. एनी फर्दर क्लैरिफिकेशन इज रिक्वायर्ड वो भी बताएं, तो जरूरत होगी तो भी लिख देंगे. चलो ठीक.